गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकेंड चैप्टर एंड इन दैट डियर स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू द पार्ट फर्स्ट स्टोरी ऑफ साहिबे आलम। आई एक्सप्लेन्ड यू लाइन बाय लाइन आल्सो। And today I am going to tell you the summary of part second, dear students. One more story of same lesson, Lost Spring, written by Anees Jung. Dear students, in this story, the central character is Mukesh. और मुकेश इज अ बॉय हु यूज टू लिव इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल इंडस्ट्री, फॉर मेकिंग बेंगल्स। और थाउजेंड्स ऑफ द फैमिलीज आर एंगेज्ड एंड इंडल्ज्ड इन दिस बेंगल मेकिंग वर्क इन बेंगल इंडस्ट्री। और वन डे द नरेटर ऑफ द स्टोरी, राइटर ऑफ द स्टोरी अनीस जंग, सी मेट द सेंट्रल कैरेक्टर मुकेश, हुज ड्रीम इज टू डू समथिंग डिफरेंट, हु इज अ वेरी डेयरिंग, करेजियस एंड फर्म नेचर बॉय। Or he wants to do something different. He wants to become a motor mechanic. He wants to drive a car. His dream is to do something different. Dear students, Anees Jung, the narrator of the story, one day she met Mr. Mukesh. और सी आस्क्ड हर ओपिनियन। द रिप्लाई वॉज वेरी पॉजिटिव। और फाइनली डियर स्टूडेंट्स, दिस सेंट्रल कैरेक्टर मुकेश इंसिस्टेड द राइटर, इंसिस्टेड द नैरेटर टू विजिट हिज लोकेलिटी, टू विजिट हिज एरिया, टू सी द कंडीशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द बेंगल मेकर्स एंड देयर फैमिलीज। और राइटर वॉज क्यूरियस टू नो, द नरेटर ऑल्सो वॉन्टेड टू नो द एक्चुअल कंडीशन एंड एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, हाउ दे आर लिविंग एंड हाउ दे आर स्पेंडिंग दियर लाइफ। सी वॉन्टेड टू नो, सी वॉन्टेड टू गो देयर। और मुकेश इंसिस्टेड हर। सो फाइनली राइटर विथ मुकेश स्टार्ट डिसाइडेड टू विजिट, डिसाइडेड टू गो इन दैट लोकेलिटी। और व्हेन राइटर वॉज गोइंग एंड मूविंग इन दैट लोकेलिटी, द कंडीशन ऑफ लोकेलिटी वॉज नॉट गुड। द स्ट्रीट्स वेयर वेरी नैरो, डर्टी। The condition of houses was not good. They were not in good condition. Even it was observed by Anees Jung that the four legs and two legs means human beings and animals were living together in such a locality. They were living a very miserable life. Due to their poor economical condition, due to their work, because the business, the work, the traditional job which they were doing, thousands of the families, it was not the business of profit. They were not getting a lot of profit, dear students, or due to that they were forced to live such miserable life.
और फाइनली डियर स्टूडेंट्स, राइटर मुकेश टू राइटर अनीस जांग एंड दे रीच टू वन ऑफ द हाउस. द डोर ऑफ दैट हाउस वॉज ओबलिंग शेकिंग. और व्हेन द डोर वॉज ओपन दे इंटर्ड इन दैट हाउस. एक्चुअली इट वॉज नॉट अ वेल फर्निश्ड एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस. इट वॉज ओल्ड हाउस और इन ए वेरी बैड कंडीशन. इवन रूफ्स वेयर नॉट प्रॉपरली कवर्ड. एंड आफ्टर इंटरिंग इन द हाउस, अनीस जंग ऑब्जर्व्ड दैट वन लेडी हु वॉज वेरी फ्रेल, वेरी लीन एंड थिन, वेरी वीक, हु वॉज बहू ऑफ दैट फैमिली. शी वॉज बिजी इन किचन, शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर. और हियर राइटर वॉन्ट्स टू टेल अस डियर स्टूडेंट्स कि दो दैट पर्टिकुलर लेडी बहू वॉज नॉट मोर देन 30, मोर देन 25-30 ईयर्स, बट एज शी वॉज लिविंग इन ए वेरी डर्टी एंड वेरी पुअर कंडीशन, सो डियर स्टूडेंट्स शी वॉज लुकिंग ओल्ड. Her eyes were filled with smoke as she was busy in kitchen. Or she was that lady was that young lady was wife of elder sister of Mukesh, elder brother of Mr. Mukesh. That particular lady was wife of elder brother of Mukesh. और नॉट ओनली द फैमिली ऑफ मुकेश बट थाउजेंड्स ऑफ अदर फैमिलीज वे आर फोर्स टू वर्क एंड फोर्स टू लिव सच ए मिजरेबल लाइफ. डियर स्टूडेंट्स, एंड मुकेश फादर आल्सो ट्राई टू वर्क हार्ड. इवन ही वर्कड एज ए टेलर आल्सो, बट इन दैट ही कुड नॉट गेट एनीथिंग. और फाइनली ही कंटिन्यूड विथ हिज ट्रेडिशनल प्रोफेशन दैट इज बैंगल मेकिंग. डियर स्टूडेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गिव एनी थिंग टू हिज चिल्ड्रन. नॉट ही कुड सेंड हिज चिल्ड्रन इन गुड स्कूल, नॉट ही कुड गिव देम सपोज अ गुड हाउस, not a happy and prosperous life. Only the thing which he could give to his children that he told them how to make bangles. But Mukesh wanted to do something different. Or the people who used to work in bangle industry of Firozabad, they used to work and spend a very tough life because they had to work in front of furnaces. While making bangles, they have to work in a dark room, or in front of furnaces they used to make bangles, they used to make glass items. Or one more thing, they used to make different color bangles. The writer Anis Jung wants to tell us ki that the people, those who are engaged in the life in this bangle industry, they are making very auspicious item bangles which brings and gives happiness in the life of married women. It is a very auspicious item
पूर्ण बाई मैरिड वेमेन ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. तो द मेकर्स ऑफ बेंगल आर मेकिंग वेरी ऑस्पिशियस आइटम एंड ट्राइंग टू गिव हैप्पीनेस थ्रू दैट आइटम्स इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ आवर कंट्री. बट अनफॉर्चुनेटली देर इज नो हैप्पीनेस, देर इज नो ग्लो, देर इज नो पीस, देर इज नो प्रॉस्पेरिटी इन इन दियर लाइफ. और 20,000 चिल्ड्रन आर वर्किंग इन दिस बेंगल इंडस्ट्री. और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि दैट ईयर हियर इन दिस बेंगल इंडस्ट्री दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एज दे वर्क इन ए हाई टेम्परेचर जोन इन फ्रंट ऑफ फर्नेसेस इन 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 डार्क एंड एंड स्मॉल डार्क रूम इन हाई टेम्परेचर. सो डियर स्टूडेंट्स दे आर फोर्स्ड टू लिव सच मिजरेबल लाइफ एंड वेरी सून दियर आई साइट बिकम्स वीक और इन ए वेरी यंग एज दे लुक ओल्ड द चिल्ड्रेन ऑफ एंड पीपल ऑफ फिरोजाबाद दोज हु आर एंगेज्ड एंड वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री. नॉट ओनली इट इज दिस इज द स्टोरी ऑफ मुकेश, इट इज द स्टोरी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द फैमिलीज देयर. और दे कैन नॉट रेज दियर वॉइस ऑल्सो. डियर स्टूडेंट्स दीज पीपल कैन नॉट रेज दियर वॉइस बिकॉज दे आर इन ए ट्रैप ऑफ दे आर इन नेटवर्क ऑफ साहूकार मिडल मैन एंड पुलिस मैन एंड ब्यूरोक्रेट्स. दे कैन नॉट दियर रेज दियर वॉइस एंड दे कैन नॉट रेज दियर वॉइस एट एनी फोरम एट एनी टू एनी अथॉरिटी बिकॉज चाइल्ड लेबर इज इलीगल और 20,000 चिल्ड्रेन आर इंगेज्ड इन दिस वर्क इंगेज्ड इन दिस बेंगल इंडस्ट्री. सो एज दे हैव एम्प्लॉयड चिल्ड्रेन बिलो 14 बिलो 18 ईयर्स बिलो 16 ईयर्स सो दे आर डूइंग इलीगल वर्क. इफ दे विल रेज दैट इशू तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. और sometimes policemen are the authority and bureaucrats, they also create problem for them. They used to torture them, they used to harass them, sometimes system also. So they are in trap of network of in bigged circle of साहूकार मिडलमैन. ऑल आर एक्सप्लॉइटिंग देम. ऑल पीपल ऑल आइदर साहूकार आर मिडलमैन आर पुलिसमैन आर यू कैन से ब्यूरोक्रेट्स दे यूज टू एक्सप्लॉइट सच चिल्ड्रन एंड सच फैमिलीज बिकॉज दैट वर्क इज मोस्टली डन बाय स्मॉल चिल्ड्रन अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ elders. We have seen the condition of Mukesh family. Thousands of the other families are working like that. Or in that, among them, dear students, Mukesh is trying to do something different. Mukesh is trying to dream something different. He is trying to dare to do something different. He is making and storing courage to do something different. Or that he used to discuss with Anish Jan. Dear students,
तो दिस इज द स्टोरी ऑफ समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. और आई विल टीच यू डियर स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन आल्सो. सो इट आई होप यू हैव अंडरस्टूड और यू विल राइट द समरी ऑफ दिस लेसन. दिस सेकेंड पार्ट as you have written first part summary, so you have to write the summary of second part also. And in next lecture, I will teach you line by line. Thank you, dear students.